आलू का गुलाब जामुन बनाना सिखाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिसे मैंने उबाल लिया है। मैंने 6 पीस ब्रेड लिया है। मैंने 1 कप दूध लिया है। अब हम ब्रेड के ब्राउन पोर्शन को हमें काट के निकाल लेना है। हम ब्रेड के सारे ब्राउन चारों तरफ से ब्राउन पोर्शन इसके निकाल देंगे। इस तरीके से हम काट के इसके सारे ब्राउन पोर्शन को हमें निकाल देना है। अब हम ये आलू को इसमें मैश कर लेंगे। हमें इसे आलू को इसमें मैश कर लेना है अच्छे से। इस तरीके से हमें पूरी तरीके से, इसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। हम इसे पूरी तरीके से अच्छे से मैश कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें कोई गांठे नहीं है। अब हम ब्रेड को के टुकड़े करके हम इसमें डाल देंगे और हम इसे आलू के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम इसे आलू के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि मैंने ब्रेड को अच्छे से आलू के साथ मैश कर लिया है। अब हम दूध की सहायता से इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमें सारा दूध एक साथ नहीं डालना। हम जिस प्रकार आटा सानते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालते हैं, उसी प्रकार से हमें इसमें थोड़ा थोड़ा ही दूध डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। अब देख रहे हैं कि मैंने इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। अब मैंने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है। मैंने 1½ कप मैंने चीनी लिया है। मैंने गैस पे बर्तन को चढ़ा के रखा है। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और हम थोड़ा पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा चीनी मिला देते हैं। अब हमें चीनी सारा इसमें डाल दिया है। अब देख रहे हैं कि मेरा चीनी गल चुका है। हमें से एक तार की चाशनी बनाना है, इसलिए हमें से थोड़ा ज़्यादा खौलाना पड़ेगा। इसलिए हम इसे एक तार की चाशनी बनने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ा उबलने के लिए। अब देख रहे हैं कि मेरा चाशनी अब तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमने जो इसे 10 मिनट के लिए छोड़ा था, अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और अब हम इसे घी के साथ इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। इसे अच्छे से हमें घी के साथ मैश कर लेना है। मैंने घी को अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक मैश कर लेंगे। आप जितना इसे मैश करेंगे आपका गुलाब जामुन उतना ही सॉफ्ट बनेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डो सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो आपका रसगुल्ला भी कड़ा बनेगा। और इसे अब हम लगातार 5 से 10 मिनट के लिए मैश कर लेंगे। 5 मिनट तक इसे लगातार मैश कर लिया है। अब हम इसका लोई बनाएंगे। लोई बनाने के लिए आप घी को अपने हाथ में लगा लीजिए ताकि ये आपके हाथ से चिपके ना। और अब हम आपको जितना साइज, जितने बड़े साइज का आपको गुलाब जामुन बनाना है आप उतने बड़े साइज का गोला लीजिए। और इसे आप क्रैक्स फ्री बनाना है आपको। ये आपको ध्यान रखना है कि आपके रसगुल्ले में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें किशमिश डालेंगे और हम इसे बंद कर देंगे इस तरीके से। और हमें इसे पूरी तरीके से क्रैक्स फ्री बनाना है। आप देख रहे हैं कि अब इसमें मैंने ये गोले में एक भी क्रैक नहीं है। क्रैक रहने से आप अगर इसे चाशनी में डालेंगे तो ये फट जाएगा। इसलिए आपको पूरा कोशिश करना है कि आपका गोला क्रैक्स फ्री हो। इसके लिए आप चाहे तो ऑयल अपने हाथ में लगा के इसे गोल बनाइए। ये बिल्कुल चिकना गोला बनेगा। मैंने सारे गोले तैयार कर लिए हैं। मैंने गैस पे ऑयल को गर्म होने दे दिया। मैंने ज़्यादा तेल लिया है ताकि हमें इसमें डीप फ्राई करना है। और मैंने यहाँ चाशनी को गर्म कर लिया है। अब हम एक एक गुलाब जामुन को इसके अंदर
हम डालेंगे और हम इसे चारों तरफ से हम इसे लाल करेंगे तरीके से, हमें इसे घुमा के इसे हमें चारों तरफ से लाल करना है। आप जो ऑयल यूज करते हैं आप वो ऑयल यूज कीजिए। मैंने देख चारों तरफ से लाल कर लिया। अब हम इसे गरम चाशनी में डाल देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका चाशनी गरम होना चाहिए। अब हम इसे एक एक करके चाशनी में ट्रांसफर कर देंगे। इसी प्रकार से हमें सारे गुलाब जामुन को छान लेना है और हम इधर गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर डुबा देंगे ताकि चाशनी अच्छे से इसके अंदर घुस सके। आप चाहे तो गैस को धीमी आंच पर भी रख के आप इसके अंदर एक एक करके गुलाब जामुन डाल सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैंने पूरी तरीके से सारे गुलाब जामुन को मैंने छान लिया है और इसे मैंने चाशनी में डाल दिया है। मेरा चाशनी गर्म ही है। आपको भी इसी प्रकार से इसे करना है। अगर आपको ये आलू का गुलाब जामुन पसंद आया है तो इस हम रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।